हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्सियम पर। और मैं आज आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर यानी पार्ट टू लेकर के मैग्नेटिज्म और मैटर का पार्ट टू। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ था, है ना, बहुत कुछ सीखा था। वैसे एक बार मैग्नेट था, ठीक है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और इसके वजह से, है ना, हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था बहुत सारे पोजिशन के ऊपर, है ना। तो अगर हम बोले कि ये नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, अगर हम एक्सियल पोजीशन पे देख रहे हैं तो किसी जगह यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सिस जो बनाए थे वो कितना था, याद है, 2kp, यानी कि यहां पर 2km अपॉन r का क्यूब, और k का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4π। और अगर किसी मीडियम में अगर रख दिया है तो हम म्यू r का भी मल्टीप्लीकेशन यहां पर कर लेंगे, और म्यूआर को रिलेटिव परमियबिलिटी बोलते हैं, और हवा के लिए हम इसको 1 यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो बेसिकली अगर हम ये इसको थोड़ा बेटर वे में लिख सकते हैं, 2 times ऑफ, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन आर का क्यूब हो जाएगा एक्सिस पर, हमने ये सीखा था। और अगर हम बोले कि इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर पूछे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इस जगह पर ऐसे, है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा तो ऐसे बनेगा। अरे सुने, ऐसे नॉर्थ से निकलता है ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे निकल रहा है, है ना, यहाँ पर ऐसे बन रहा होगा, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा। और बी इक्वेटर कितना आ जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आ जाएगा, के एम अपॉन आर का क्यूब, है ना, के की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4π और एम बाय आर का क्यूब। और एम क्या था यहाँ पर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना, ये ना पढ़े थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम इसको पढ़े थे। और इसका वैल्यू कितना होता था, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और इनटू इसका जो डिस्टेंस है, अगर मान ले कि ये 2L डिस्टेंस है, ये हो गया इनटू 2L, ये था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और m इसका था पोल स्ट्रेंथ, है ना। ये हम लोग का पिछले क्लास में यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अरे बस मुझे, अच्छा, किसी भी जगह पर भी हमने निकाला था, है ना, किसी भी जगह पर अगर हमसे पूछ ले यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो, अगर हम ऐसे करके निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की तरफ होगा, इसका वैल्यू क्या बताए थे, बी बराबर जो बी होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू बेसिकली के एम बाय आर का क्यूब, है ना, के पी बाय आर का क्यूब, यानी कि के एम बाय आर का क्यूब। अच्छा, के पी का बारे में बस में ना, अगर डायपोल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जिसमें दो चार्ज होते प्लस और माइनस वाला, तो उसके अब जो सेम फॉर्मूला होता था, यहाँ पर पी की जगह पर एम आ गया, है ना, बस। तो के एम बाय आर का क्यूब रूट ओवर 1 + 3 cos का स्क्वायर थीटा, है ना, जिस थीटा पर ये डिस्कस किया जा रहा है, समझ में आ रहा बात। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस भी सीखे थे और उसकी गलतियों को भी हम एक्सेप्ट किए थे, है ना। तो चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, जितना ने समझा है वही समझ लो, जल्दी हम इसको आगे इरेज करते हैं क्योंकि इसके आगे चीजें बहुत कमाल का आज का भी लेक्चर होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एट एनी पोजीशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी भी एक बार मैग्नेट की वजह से कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बार मैग्नेट में किसी भी पोल स्ट्रेंथ, है ना, या फिर पोल स्ट्रेंथ अगर हम यहां पर करें एम, इससे किसी डिस्टेंस आर पर, किसी भी आर पर कितना होगा पोल, किसी भी एम पोल स्ट्रेंथ की वजह से, किसी भी एम पोल स्ट्रेंथ की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू कितना होता है, बी बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, याद है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4π और क्यू की जगह इसका पोल स्ट्रेंथ अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा अगर हमको ये पता है तो, है ना, ये याद है तो हमको पता है। तो हमको निकालना है यहां पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एट एनी पोजीशन, यहां पर हम निकालना चाहते हैं कितना पोटेंशियल है। एकदम सेम जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे या पोटेंशियल पढ़ते थे, क्या बोलते थे, एक यूनिट कोई भी उठा करके, है ना, यूनिट प्लस वन को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, प्लस वन पोल स्ट्रेंथ को उठा करके लेके आओ यहाँ से यहाँ तक, तो बताओगे कितना वर्क करना पड़ा है, उसी कारण हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। उसी तरह से लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट कर लेते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो कर लेते हैं, है ना, और हमको आर पर बात करना है, तो क्या लिखेंगे,
चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर होता था, उसी तरह से हम बी वेक्टर डॉट ऑफ डी एक्स वेक्टर कर सकते हैं किसी भी एक्स पोजिशन पर अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो, है ना। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल आर पोजिशन पे क्या आ रहा है, वी इनिशियल जो शुरुआत में कहा था इन्फिनिटी पर था, इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर का क्यूब, है ना। हम किसी शुरुआत में एक्स पोजिशन पे बात कर रहे हैं, एफ आर का क्यूब लिखना था, एक्स स्क्वायर लिखना था, यहाँ पर डी एक्स हो गया, शुरुआत में थे इन्फिनिटी पर बाद में आर पर थे। फिर समझना है बात को कि अगर हम आर पोजिशन पे निकालना चाह रहे हैं लेकिन हम लौटते हुए किसी एक्स डिस्टेंस पर हम हैं, यहां पर हैं, है ना, तो कितना होगा, है ना, यहां पर कितना वर्क हो रहा होगा ना ऐसे लेके आ रहे तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे एक्स पोजिशन पर का, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और डी एक्स से लेके आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इन्फिनिटी वाले को जीरो लिख देंगे, तो वी एट आर पोजिशन पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, देखो फिर माइनस छूट जाता, माइनस एम हो जाता और वन अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इन्फिनिटी से आर तक सॉल्व करोगे तो वी एट आर पोजिशन पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और एम अपॉन आर आ जाएगा यहां से, सिंपल है, के क्यू बाय आर आ गया, एकदम चार्ज की तरह, है ना, जस्ट लाइक दैट चार्ज, चार्ज की तरह से हमने पोटेंशियल निकाल लिया किसी भी जगह पे, एक पॉइंट कोई भी पोल स्ट्रेंथ है उसकी वजह से हमने ये पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजिशन, चलो जल्दी कॉपी कर लो इसको, है ना, एकदम इजी है ना बात, ये बात सुन रहे, ये क्या हुआ, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखा चुके थे पिछले क्लास में, है ना, ये है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट पोल स्ट्रेंथ, है ना, पॉइंट पोल स्ट्रेंथ, है ना, यही चीज है, आ रही बात समझ में, ये चीज आ गया, चलो जल्दी इसको भी करो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल एट एनी पोजीशन, है ना, तो अगला टॉपिक यही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी हमने एम वेक्टर ऐसे बनाया है, एम वेक्टर समझ में आ रहा है, माइनस एम से प्लस एम की तरफ हम दिखाते हैं, ये हमारा एम वेक्टर हो गया, है ना, ऐसे तो ऐसे दिखा दे अगर तुमको पसंद है, भाई ये हो गया माइनस में एम और ये हो गया हमारा प्लस में एम, और सेंटर हम दिखाते ना यहाँ पर, और इससे किसी भी जगह पर हमको यहाँ पर इस पोजीशन पे किसी एक्स डिस्टेंस पर हमको निकालना है यहाँ पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, है ना, क्या करेंगे, तो इसको इसके कारण हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल देंगे और फिर इसे हम पोटेंशियल निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, खत्म हो गए, क्योंकि इसके अंदर हम क्वांटिटी है, तो सीधा सीधे बात करेंगे इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, है ना, तो इसका नाम कुछ लिख देते हैं ए बी, इसको सी लिख देते हैं, और कुछ थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना होता है ना, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है ना, एक्स जो है बहुत बहुत बड़ा है इसके एल से, जो इसका एल है लेंथ, है ना, तो अगर हम ये थीटा बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ काम कर लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ये लेंथ क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एल का कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा हमारा L cos theta, और सिमिलरली ये भी हो जाएगा L cos theta, तो हमको लिखना है AB का लेंथ, तो हम इसको लिखेंगे AB का जो वैल्यू हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टोटल जो ये लेंथ है X प्लस में L cos theta, लगभग लगभग ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो हम इस लेंथ को इसके बराबर लिख सकते हैं, तो X प्लस में L cos theta आ जाएगा, और उसी तरह से अगर हमको BC का वैल्यू निकालना है तो हम उसको बोल सकते हैं पूरा X में से L cos theta घट जाएगा, X माइनस में L cos theta, और अगर पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, क्या था, के क्यू बाय आर था, याद ना था, तो के की जगह लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, क्यू की जगह पे इसका माइनस एम बाय यहां से तक का डिस्टेंस ए बी, अरे वो सुन, प्लस इसके अगर बात करेंगे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और यहां पर लिखेंगे इसका पोल स्ट्रेंथ अपॉन बी सी, सिंपल हो गया, पुट कर लेंगे यहां से हमको साफ दिख रहा है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई तो बाहर आ जाएगा,
एम भी बाहर आ जाएगा, वन अपॉन बी सी माइनस वन अपॉन ए सी हो जाएगा। ये म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई हो गया, यहां से वन अपॉन बी सी की जगह पे लिख सकते हैं एक्स माइनस में एल कॉस थीटा और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस में एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सवाल समझ में आ गया होगा। म्यू नॉट इंटू एम अपॉन फोर पाई हो जाएगा, यहां पर से ये ऊपर गया और ये यहां गया, तो एक्स प्लस में एल कॉस थीटा माइनस में एक्स प्लस में एल कॉस थीटा अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां से एक्स से एक्स खत्म हो गया। एल स्क्वायर हम बोल चुके हैं एल बहुत छोटा है, तो दिस गोज ऑल्सो जीरो। तो सॉल्व करने के बाद जो हमको दिख रहा है, ये बात समझ आ रही है, सब हम लोग कर चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, बार बार हम कह रहे हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इन सब चीज के लिए। यहां से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एम बाय फोर पाई इंटू टू एल कॉस थीटा ऊपर में दिख रहा है अपॉन एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, एम इंटू टू एल कैपिटल एम था क्या, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम कॉस थीटा अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये हो गया इसका पोटेंशियल किसी भी जगह पे इस डायपोल की वजह से। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो डायपोल की वजह से निकला था वो था के पी कॉस थीटा बाय एक्स का स्क्वायर, सेम एग्जैक्ट सेम है फॉर्मूला, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ है। छाप लो क्योंकि बोर्ड में आता है, क्या करोगे। Behave like a bar magnet, है ना? हमको ये प्रूफ करना है कि जो बार मैग्नेट की वजह से जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हमको ये प्रूफ करना है ना। तो चलो एक दो चीज समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो हमको पता है कि बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट यही है ना, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया था कितना था, 2kp है ना, 2km by r का क्यूब है ना, किसी भी r में से, r बहुत बड़ा था, हमने r लिया होता ना, r बहुत बहुत बड़ा था इसके 2l लेंथ से, ये हम ले चुके हैं। सॉल्व करने से हमको क्या मिला था, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो गया कैपिटल m अपॉन r का क्यूब। ये होता है बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पे। और अगर मेरे पास एक सोलेनोइड है ना, कुछ इस तरह का सोलेनोइड है, सोलेनोइड समझ आ रहा है ना, कुछ इस तरह का, इसमें कि हमने तार को वाउंड करके रखा है ऐसे से, है ना, ऐसे से, तो इसमें भी अगर हम करंट दे रहे हैं, है ना, इसमें अगर हम करंट ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हो समझ ना, ऐसे हमको ये प्रूफ करके देना है, बात समझ आ रहा है, सोलेनोइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर इतना ही होता है, हमको ये प्रूफ करके देना है। बैठा दिमाग में, बस इतना ही करना है हमको, तो ये सब छाप लो पहले, है ना, कुछ चीज लिख लेना फटाफट क्योंकि हम लोग लेट से लिखते हैं, कुछ जल्दी जल्दी लिखते नहीं है, लेट कर लेते हैं। इसका जो रेडियस है उसको ए कर रहे हैं, ए इज द रेडियस ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, जो 2l है हम उसको कह देते हैं लेंथ ऑफ सोलेनोइड, है ना, इसका जो लेंथ हो गया यहां से तक का जो लेंथ है हम इसको 2l कर दे रहे हैं, ताकि वैसा वैसा चीज ही बन जाए, है ना, क्योंकि इसके विरुद्ध तो 2l ही लिए थे,
तभी हमने ये सब चीज़ ऑब्जर्व किया था। और स्मॉल एम क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, है ना। कैपिटल एम क्या है? वो है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हम इसको कह दे रहे हैं। और बस और किसी चीज का जरूरत पड़ेगा? 2m इतना, बी मैग्नेटिक फील्ड, आर बस इतना का जरूरत पड़ने वाला है ना। यहाँ तक छाप लो जल्दी से, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी छापो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक काम किए हैं कि एक सोलेनोइड बनाए। ये सोलेनोइड में हम टर्निंग नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके जो लेंथ हम लिए 2L ले लिए हैं ना, बात समझ में आ रहा है? वो जो अभी पीछे सोलेनोइड बनाए थे वही है, ठीक है। तो हम इसको, इसके सेंटर को हम ओरिजिन कह रहे हैं, और इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है पी का, वो हम आर कह दे रहे हैं। और आर बहुत बहुत बड़ा है, है ना। इसके लेंथ से दिख नहीं रहा है, मगर मान लो कि ये बहुत दूर में है ना, और ये लेंथ बहुत छोटा है ना। ऐसे करके यहाँ बार मैग्नेट है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। इतिशा का बार मैग्नेट है, इतिशा का ये सोलेनोइड है, इसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरे बस ना, इसे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं प्रूफ करने के लिए। तो हम छोटा छोटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वाइल हैं बने हुए, है ना। तो याद करो, हमने इस तरह से किया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो सोलेनोइड की वजह से, लेकिन अंदर में निकाले थे, इस बार बाहर निकालना है हमको, तो है ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा सेक्शन काट लेते हैं ऐसे करके, है ना। ऐसे बहुत सारे वाइंडिंग होंगे, है ना, तार के बहुत सारे बहुत बारीक बारीक वाइंडिंग होंगे, है ना। इसका डिस्टेंस हम कर देते हैं कुछ डी एक्स है, और ये जो है पोजिशन, ये हमारा एक्स डिस्टेंस आगे है यहाँ से। कोई दिक्कत है? इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे पर डी एक्स विड्थ का एक सर्कुलर, इस तरह से अरेंजमेंट का हम एक सेक्शन काट लिए हैं। उम्मीद करते हैं सबको फील हुआ होगा ये बात, ठीक है। ऐसे करके हम काट लिए हैं, ठीक है। यानी कि छोटा सा हम एक इस तरह से एक सर्कुलर अरेंजमेंट हम काटे हैं, और उसके कारण हमको किसी भी जगह पर, अगर हम मान लें कि ये डिस्टेंस कुछ जेड है, तो इसे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कितना होता है, म्यू जीरो, इसमें जो करंट जा रहा है आई एम, इसका जो रेडियस है कैपिटल आर लिख देंगे, है ना, आर स्क्वायर बाय टू टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये पढ़ चुके थे हम लोग, नहीं पढ़े हो, याद नहीं है, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए इसको, इस पर सवाल बनाए थे, है ना। तो ये याद रहना चाहिए, है ना। नहीं याद है तो बवंडर कर रहे हो, है ना। याद रहना चाहिए, इसके प्रूफ भी याद रहने चाहिए। खैर, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसका जरूरत तो बाद में पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर इंक का जरूरत पड़ेगा। इंक हो गया खत्म, ठीक है। तो ओके, याद है कोई सवाल? अच्छा बोलो कैसे, है ना। चलो ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, इसका जरूरत पड़ेगा, तो हम उसके लिए एक काम करते हैं। पहले कुछ चीज़ हम डिफाइन कर दे रहे हैं, एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पर, लेट एन जो है वो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, याद है, पर यूनिट लेंथ था सोलेनोइड में हमने ये डिफाइन किया था। और एन क्या है? इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि स्मॉल एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितना है? 12 है। या फिर हम कह सकते हैं इस छोटे से हिस्से में कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें, इसके लिए क्या लिखेंगे, एन बराबर इसका नंबर ऑफ टर्न्स और इसका लेंथ लिख देंगे dx। अरे सुनो, तो वो चीज आ जाएगा यहाँ से, तो हम लोग आगे जा करके इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो भी कॉल करना है, एक काम करते हैं, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस पता करते हैं कितना, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस पता करते हैं कितना। ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r माइनस में x होगा क्या, इसमें किसी को डाउट है क्या? और इसके वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, और इस तरह से करके बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स काटे होंगे, सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के जोड़ देते हैं, खत्म। बैठा समझ में? बात आया कि नहीं आया? अगर ये पूरा डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एक्स हम बोल के रखे हैं, तो ये डिस्टेंस आर माइनस में एक्स होना है, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे यहाँ पर, जो कि उधर की तरफ होगा,
और ऐसा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, यहाँ से काटना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे करके, तो बहुत सारे टर्निंग होंगे, यहाँ से जोड़ देंगे, खत्म हो गया मामला, है ना। तो छोटा छोटा पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल है ना क्वाइल, क्या कर रहे थे हम हमको नहीं पता, है ना। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, याद है फॉर्मूला क्या था, देखो म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस्ट टू थ्री बाई टू, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक क्वायर, है ना। तो म्यू नॉट तो ठीक है ठाक है, बाई टू भी ठीक है, करेंट भी ठीक है ना, करेंट तो आई ही जा रहा होगा इसमें, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा इस वाले हिस्से में, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n बराबर n इनटू उसका विड्थ है ना n dx, अरे उसमें देखना ध्यान से स्मॉल n इनटू dx हो जाएगा, ठीक है। इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा म्यू नॉट आई एन डी एक्स, और चाहिए इसका रेडियस, इसका रेडियस हम अभी बताए थे a लिए थे, है ना, तो a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यानी कि आर की जगह पे ए स्क्वायर प्लस में यहां से तक का डिस्टेंस कितना है आर माइनस में एक्स का होल स्क्वायर का रेस्ट टू पावर थ्री बाय टू, देखो कितना भयानक वाला फॉर्मूला निकल करके आ रहा है ना। ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबको ऐड कर लेंगे ना, तो बी नेट जो आएगा वो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और तो कुछ करने वाले हैं ना, तीन बी जोड़ देंगे तो डी वाला क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ कांस्टेंट वगैरह आएगा, हम उन सबको निकाल लेते हैं। तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, और हम एक काम करते हैं कि एज कंपेयर टू आर, एक्स बहुत छोटा है, ठीक है, एज कंपेयर टू आर, आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो हम x को भी रिलीज करते रहे, है ना, यहाँ से तो क्या बचा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, है ना, रेस्ट टू पावर थ्री बाय टू, ठीक है, ऐसा कुछ हाँ, इसको रोक देते हैं, इसको अंदर ही रह देते हैं ना थोड़ा सा, बाकी अंदर में बच गया डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस में, अच्छा लिख लेते पहले आर माइनस में एक्स, ठीक है, रेस्ट टू पावर है ना का होल स्क्वायर रेस्ट टू थ्री बाय टू, ऐसा कुछ लिख लिया, ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमको इसका जरूरत है नहीं, है ना, इसका जरूरत हमको नहीं है, यहाँ पर थ्री बाय टू लिखे, आर माइनस में एक्स लिखा हुआ था का होल स्क्वायर रेस्ट टू पावर थ्री बाय टू लिखा हुआ है, ये तो हमको पता है, इसको पकड़ के बाहर कर लिया जाना चाहिए हम लोग को, म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाय टू, यहाँ से हो गया। अच्छा हम कुछ चीज और लेट कर लेते हैं क्योंकि हमारा एक्स बहुत बहुत बड़ा है, ए हमारा बहुत छोटा है ना, ए भी बहुत बहुत छोटा है आर से, तो ए भी उड़ा देते हैं, है ना, वैसे ही, ठीक है, तो इसको भी उड़ा ही देंगे, ए भी खत्म हो गया, एक्स भी खत्म हो गया, तो क्या बचा, आर का स्क्वायर यानी कि आर का क्यूब बच गया नीचे, है ना, और अंदर बच गया डी एक्स, आर का समझ, ए भी खत्म हो गया क्योंकि ए भी हमारा बहुत छोटा है और एक्स भी मेरा बहुत छोटा है, हमने दोनों को उड़ा दिया, तो डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इधर माइनस में एल से लेकर के प्लस में एल तक होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं मैंने जीरो से लेकर के एल तक का डबल कर देते हैं, तो जीरो से लेकर के एल तक मल्टीप्लाई कर देते हैं दो से, तो डी एक्स को जोड़ोगे तो एल आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाय टू आर का क्यूब इंटू सॉल्व करोगे तो ट्वेल्व आ जाएगा ना, तुम लोग तो इतना होशियार रहे, तो इतना तो आ गया हमारे पास, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है, क्या किया जाए, है ना, वैसा कुछ अच्छा स्मॉल एन के जगह पे वो भी लिख सकते हैं तो बेटर वे में, है ना, तो म्यू नॉट आई दिख रहा है स्मॉल एन के जगह पे, आई ए स्क्वायर दिख रहा है, एन के जगह पे कैपिटल एन इंटू टू एल लिख सकते हैं टोटल स्मॉल एन के जगह पे, है ना, यहाँ से अरे स्मॉल एन के जगह पे कैपिटल एन बाई टू एल लिखे हैं, कैपिटल एन बाई टू एल इंटू यहाँ पर भी टू एल हो गया और नीचे में हो गया टू आर का क्यूब, फिर से देखते हैं
म्यू नॉट दिख रहा, आई दिख रहा, ए स्क्वायर दिख रहा है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर दिख रहा है, बाई 12 क्यों दिख रहा है, स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन बाई 12 लिख दिया और 12 लिख दिया, तो 12 से 12 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास टोटल जो फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन बाय 2r का क्यूब, इतना आ गया है। लेकिन इससे समझ में कहाँ आ रहा है कि वो जो बाहर मैग्नेटो वाला सिचुएशन था वो तो नहीं आया है अभी तक, तो पहले यहाँ तक तुम लोग कॉपी करोगे तब ना कुछ कुछ आएगा, तो जब ये कॉपी कर लो क्या क्या नहीं समझ में आया कमेंट में कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, जैसे करना है कर लो, करना नहीं क्वेश्चन आएगा। तो ये बात समझ में आया कि हमने क्या क्या छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से हमने निकाल लिया है मैग्नेटिक फील्ड, और इवन ये काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी सोलेनोइड जब पढ़ा रहे थे उस समय भी, ठीक है, तो है ना आप सबको धर के ऐड कर दिए है ना, ये सब हम लोग का क्या बोले यहाँ से काटते हैं तो बात है, चलो ठीक कॉपी करो। हम एक चीज याद करो, जब हमने टॉर्क वाले सिचुएशन में बताया था, जब एक कॉइल जो है कोई फ्रेम अगर टॉर्क में करंट कैरिंग कॉइल जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो वहां पर टॉर्क बताए थे, तो टॉर्क वाले सिचुएशन में हम बताए थे कि एक चीज यूज किए थे ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वहां पर ही बताए थे एम, वी डोंट नो दैट यहाँ लिखे ऐसे कुछ वी नो दैट है ना, ये हम बताए थे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एन आई ए बताए थे, याद है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर करंट कैरिंग कॉइल होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम ये पढ़ चुके थे, हमने ये कहा था इसको है ना एम बराबर एन आई ए है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर करंट जा रहा है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन आई ए आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एन और आई तो दिख रहा है ना, एरिया नहीं दिख रहा, तो ए बाई ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस पानी खत्म हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर क्या दिख रहा है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन दिख रहा है बाय 2r का क्यूब दिख रहा है। इसको एक काम करते हैं ए बाय ए यानी कि पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेते हैं, ए बाय ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली है ना, तो एक काम करते हैं और कुछ तो 2/2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, ताकि नीचे में 4 वगैरह पाई वगैरह आने लगे, ये दो काम हम किए हैं अपने हिसाब से, तो बाकी तो आ गया म्यू नॉट दिख रहा है 2 जा 4 और पाई दिख रहा है यहाँ पर है ना, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, एन आई और ए इसके जगह पे हम एम लिख देते हैं, ऊपर में हो गया 2r का क्यूब, खुश हो गया तुम लोग, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, आ गया ना प्रूफ, याद है ना बार मैग्नेट की वजह से ये बताए थे, दैट्स इट। तो याद है समझ में आया, कॉपी करो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है जो है यही है गॉस लॉ और मैग्नेटिज्म, याद है गॉस लॉ और मैग्नेटिज्म क्या था, मतलब गॉस लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, वो ये था कि अगर हमें कोई भी क्लोज सरफेस ले लें और इस सरफेस के अंदर में हमने बहुत सारे चार्जेस को रखे हुए हैं है ना, तो इसके अंदर से होकर के जो फ्लक्स बन रहा था है ना, नेट फ्लक्स जो बन रहा था तो उसका सरफेस इंटीग्रल किए थे ना, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर जो है वो था क्यू जो इनक्लोज्ड इसके अंदर में है बाय एप्सिलॉन नॉट, यह था है ना, ये था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमिलरली गॉस ने मैग्नेटिज्म के लिए भी फॉर्मूला दिया था है ना, उसने यहां पर बोला कि बी डॉट डी ए जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, चलो ठीक है ये बात इसने कह दिया था तो हम लोग भी मान लेते हैं है ना, माने क्यों प्रूफ भी करेंगे ना, तो इसने क्या बोला था सरफेस है ना, या फिर सीधा लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस है ना ऑलवेज इक्वल टू जीरो।
ये बात कर दिया था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, याद है बी डॉट डी ए था, बी वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर ये था ना, इसको इन्होंने जीरो कर दिया था थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्योंकि डी ए को जोड़ेंगे एरिया इज टू का, ये हमारा डी ए का ही सम होने वाला है। तो ये कहना क्या चाह रहा है इस पूरे कहानी में, कि अगर मान लेते हैं कि अगर है ना, सपोज करो दो कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, ये पहले लिख लो है ना, ये पूरा क्लोज सरफेस को हमने इंटीग्रेट किया, ये चीज आया है यहाँ पर, याद लिख लिए। अब दो सिचुएशन लिखना है ना, तो पहला सिचुएशन लिख लेते हैं केस नंबर वन, ऐसे लिखते हैं व्हेन बॉल मैग्नेट है ना, बॉल मैग्नेट इज इनसाइड द क्लोज है ना, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर में है अगर बॉल मैग्नेट, मान लेते यही कोई क्लोज सरफेस है ना, और इसके अंदर में तुम कह रहे हो कि यहां पर हमने नॉर्थ और साउथ को बना के रखा है, तो कह रहा है कि इसके अंदर में है, तो इसके अंदर जो भी फ्लक्स फ्लो बनेगा वो सब जीरो होगा, तो देखते करके क्या आ रहा होगा है ना। तो नॉर्थ से थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं, यहीं पर हम निपटा दें है ना, यही कोई सरफेस है ऐसे, तो इससे होकर के जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे बन करके इसी में घुस जाता है, ये हमको पता है यहाँ तक, ऐसे जाकर कैसे जा रहा होगा, आ रहा है ऐसे। तो देखो जितना फ्लक्स आउट हुआ है उतना ही फ्लक्स अंदर भी आ रहा है क्या, जो अंदर गया वो अंदर ही रह गया, और जो यहां से पास कर रहा है वही ऐसे पास भी कर रहा है ना। तो जितना फ्लक्स आउट हुआ है उतना ही तो फ्लक्स अंदर में घुस रहा है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या उतने ही कोन है ना, सॉलिड कोन है ना, या सॉलिड एंगल जितना बन रहा है उतना एंगल यहां बनेगा, तो जिस हिसाब सोचना है सोच लो है ना। तो क्या दिख रहा है यहां पर से, कि जितना फ्लक्स इन हुआ है उतना ही फ्लक्स आउट हुआ है, इस कंडीशन में नेट फ्लक्स तो कुछ मिला नहीं, जीरो आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जो आउट हुआ है तुम इसको बोलोगे पॉजिटिव फ्लक्स है, तो एरिया भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, यहाँ पर फ्लक्स अंदर, क्योंकि देखो थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर एरिया बाहर वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव फ्लक्स बनेगा, यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स है और यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स बनेगा, यहाँ पर माइनस एफ फाइव बनेगा, इस कारण से जीरो हो गया नेट फ्लक्स, ठीक है। और अगर हम इसी के दूसरे केस की तरफ बढ़े, केस टू लिख देते हैं है ना, या केस वन छाप लिए जल्दी छापो, अगर लिख दें कि व्हेन बार मैग्नेट इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस है ना, बार मैग्नेट आउटसाइड में, आउटसाइड द क्लोज सरफेस, इस सिचुएशन को मिटा दे रहा है, तुम लोग छापते रहा करो, कॉपी लिया लो और शांति से एकदम प्यार से बैठ करके छाप लो, ठीक है, छापने पर ही दुनिया टिका हुआ है। तो सपोज करो एक सरफेस यही है ना, और इसके बाहर में हमने एक ये नॉर्थ साउथ रखे हैं बाहर में, इससे होकर के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा होगा, आ रही हो समझ। तो देखो जितने मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर गए उतने ही निकले हैं तीन, क्या फिर से फ्लक्स जीरो हुआ है ना, उतने ना तीन अंदर गए तो तीन ही बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर फ्लक्स नेट क्या मिल रहा है, जीरो है ना, इसी तो कह रहे थे जो है वही गॉस लॉ ऑलवेज वैलिड। एक और कंडीशन हो सकता है ना, इसको इरेज कर देते हैं, उभरे को इरेज कर देते हैं, अगर हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं है ना, कि सर आप एक काम कीजिए केस थ्री लिख लीजिए है ना, अगर ऐसे कुछ लिखते हैं व्हेन बार मैग्नेट इज हाफ इनसाइड द क्लोज सरफेस है ना, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसको मैनेज करते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं क्लोज सरफेस यही है ना, इसके अंदर में से आधा आधा है ना, अंदर है कुछ कुछ हिस्सा बाहर है, क्या फर्क पड़ता है, नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास कर जाता है, तो जितने मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पहले से बात करें, पहले के थ्योरीज के हिसाब यहाँ पर जनरेट हो रहा था, यहाँ पे जनरेट, यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, अगर इसके बारे में बात करें तो कोई, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना बाहर गया है तो फ्लक्स पहले के हिसाब से भी नहीं होगा,
और अगर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से बात करें, जिसके हिसाब से सिचुएशन ये है कि नॉर्थ से निकल करके मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लूप बना देता है इसे, है ना, ऐसे आज जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आगे जाकर के, इस पर डिस्कस करेंगे, लूप बनाता है इस तरह से, है ना, तो भी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर से इधर से निकला उतना ही तो घुस गया इधर से, अगेन जीरो हो गया, है ना। तो जैसे सोचना है सोच लो, अगर पुराने थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये जनरेट हो रहा है, यहाँ बीच में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो बी डॉट डी ए करोगे तो बी ही जीरो लिखोगे तो भी जीरो आ जाएगा गॉस लॉ के हिसाब से पहले सिचुएशन में। लेकिन अगर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से सोचेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड लूप बना रहा है तो भी अगर यहां से पास कर रहा है तो जितना अंदर गया उतना, जहां से जितना अंदर जा रहा है उतना ही तो, है ना, ये निकल भी गया तो कुछ बचा नहीं ना, नेट फ्लक्स जो अंदर में आया वो जीरो आ गया, दैट्स इट। मजा आया क्या? तो कोई सवाल जल्दी छापो। पता है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमको लग रहा है कि वीडियो भी शूट हुआ है, है ना, 30 मिनट का या फिर 35 मिनट का कंटेंट गया है। तो अगर हम 30-35 मिनट में इतना लिख सकते हैं, तुम लोग के पास इतना समय है अभी से, है ना, फोड़ देना है भाई बोर्ड में, है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, प्यार से, आराम से पास कर लोगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा बोर मैग्नेटन के ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोर मैग्नेटन, ठीक है, इसके ऊपर क्या है नहीं है आसानी समझते हैं, है ना, प्यार से इसको। अगर हम फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ही पहले बात कर लेते हैं, तो अगर हम बोलें कि एक ये प्रोटॉन है और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो किसी स्पीड भी से जा रहा है, इसका रेडियस है आर। अब सोच के देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें करंट ऐसे बन रहा होगा, है ना, ऐसे ऐसे, और अगर करंट बन रहा है तो ऐसे ऐसे करके करंट बन रहा है, ऐसे करके करंट बन रहा है, नीचे की तरफ ऐसे करके दिखाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की तरफ जा रहा होगा, याद है, समझ में आया बात, ऐसे करके करंट दिखाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, है ना। अगर करंट जा रहा है ऐसे बाहर, तो हम ऐसे सोच सकते हैं क्या कि एक क्वाइल बना हुआ है, सर्कुलर क्वाइल, और सर्कुलर क्वाइल में करंट फ्लो कर रहा है तो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी हमको बता बता सकते हैं इसके सेंटर पर कितना होगा, याद है, सर्कुलर क्वाइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी ऑफ क्वाइल एट द सेंटर, बी एट सेंटर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय टू आर, पढ़े थे क्या, इतना जगह ना, तो ये तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट तक तो ठीक ठाक है, टू आर तो रेडियस ही है, करंट बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है पर यूनिट टाइम, है ना, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टू पाई आर बाय वी, है ना, तो टू पाई आर बाय वी हो जाएगा यहाँ से, इज इट ओके। तो यहाँ से आ गया हमारे पास म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया बी एट सेंटर पहला। तो ये जैसे बोर मैग्नेट्रॉन से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि इसके सेंटर पर बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड या न्यूक्लियस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ये सवाल आ सकता है इस सिचुएशन के हिसाब से भी, क्योंकि क्वाइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इधर बनता है, दैट्स इट, है ना, इसको हमारे रिलेशन से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, अगर हम ये लिखना चाह रहे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम कितना बनेगा, याद है एन आई ए होता था, एन आई ए बनता था, एम कितना है, एक ही टर्न है, एक ही टर्निंग हो रहा है ना, एक टाइम पीरियड में एक ही टर्न होगा, तो वन, आई की जगह क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो पर यूनिट टाइम बराबर टू पाई आर अपॉन बी, और एरिया की जगह क्या लिखोगे, पाई आर का स्क्वायर, लिखेंगे क्या, तो यहां से पाई ये समझ रहा है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया बनेगा, तो पाई से पाई खत्म हो गया, यहां से दिख रहा है ई भी आर बाय टू, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। कोई दिक्कत है? यहां तक हम लोग को पता है। अच्छा एक बात हम ये भी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंट है ना फ्रॉम बोर लॉ, फ्रॉम बोर्स मॉडल है ना, बोर एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी क्या उन्होंने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है, जो एल होता है वो क्या होता है, एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है। ये भी हमको पता है, ये हमको पता है ना, छापो यार जल्दी जल्दी छाप लो पहले, इसके आगे बढ़ाते हैं। सो तो यहां तक हम लोग लिख चुके हैं, और हमको एक बात और पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल बराबर वो होता है एम बी आर के बराबर, फ्रॉम रोटेशन से हम लोग जानते हैं। ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्या लिख देंगे यहां से, एन एच पाई टू पाई इक्वल टू एम बी आर हो जाएगा, है ना। तो एम को इधर भेज सकते हैं तो हमको बी आर का वैल्यू आ जाएगा, तो एन एच बाय टू पाई एम बराबर हो गया बी आर, और इस वी आर को यहाँ पुट कर रहे थे, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू कह दे रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो क्या हो जा रहा है, यहां से एम बराबर जो मैग्नेटिक मोमेंट था ई अपॉन टू, और वी आर के जगह पे दिख रहा है एन एच बाय टू पाई एम, और एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा ध्यान से, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है इसलिए हम एम ई ही रहने देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई कर ले रहे हैं यहाँ से। कोई दिक्कत, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो एम का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, ई अपॉन ऐसे एन ई एच अपॉन फोर पाई, फोर पाई एम ई आ रहा है क्या, फोर पाई एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मल्टीप्लाई मत कर लेना इसको, ठीक है, फोर पाई एम ई, और ई एच अपॉन फोर पाई एम ई को हम कहते हैं बोर मैग्नेटम, है ना, इसी बोलते हैं बोर मैग्नेटम। तो लेट कर ले रहे हैं म्यू, है ना, बी इसी बोलते हैं, ठीक है, म्यू बी, इसको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, इज इक्वल टू बोर मैग्नेटन, ठीक है, इक्वल टू ई एच बाय फोर पाय एम ई, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना, ई के जगह पे लिख सकते हैं 1.6 × −19 कूलम, एच का वैल्यू हमको पता है 6.62 × 10⁻¹⁰, लो हम भूल गए 34 होता है शायद, हाँ 34 जूल सेकेंड, है ना, बाय 4 पाई 4 इंटू पाई की जगह पे हमको पता है 3.14592 ले लेंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है 9.11 − 31 kg ले लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, और इसका वैल्यू होता है 9.27, इसका वैल्यू होता है 9.27 × 10⁻²⁴, है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, बाकी तुम लोगों को पता है ये डेटा। तो हम अगर इसको यूज कर रहे हैं तो कैपिटल एम बराबर तब क्या मिल रहा है, देखो तो स्मॉल एन इंटू म्यू बी आर है क्या, है ना, ये चीज हो गया बोर मैग्नेट्रॉन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में रिलेशन, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ, ये एन क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब पता है ना, तो भाई केमिस्ट्री के तुम लोग उस्ताद लोग हो, इतना तो पता होगा, है ना, या नंबर ऑफ ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एन का वैल्यू इस कंडीशन में वन हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा अगर तुमसे पूछेगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए वो इतना होता है, सीधा तुम लोग ये भी पता होगा कि एन का वैल्यू वन दे लोगे। मजा आ गया, छाप लो सब बोर, सॉरी ये सब बोर्ड के लिए, बोर्ड बोल दिए, तो बोर्ड के लिए एग्जाम में आते हैं, प्यार से लिखो, अच्छे से लिखो, जैसे लिखना है, नोट्स बननी चाहिए अच्छे से, है ना, कभी रहो।
चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं ना फटाफट। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड है ना एट पी, पी पोजिशन पर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन पे ही बात कर रही है, क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर वन पे बात कर रहा है ना। तो एक बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और एक बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मेथरी बनाते हैं ज्यादा बेटर होगा तो समझ में आना चाहिए ना। एक बार मैग्नेट हम ऐसे रखे हैं, एक बार मैग्नेट हम ऐसे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और इससे किसी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना, इसे किसी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं ना, इसे किसी डी डिस्टेंस पर निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इस पोजीशन पे निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बस बहुत आसान सा चीज है बनाने के, एकदम सिंपल मेथड। देखो याद है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वो पहले भी सिचुएशन बता चुके थे कि दो बार मैग्नेट ठोस से और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेम थ्योरी। क्या इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पर एक्सियल पॉइंट के लिए बात होगा, यहाँ पर तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बाहर की तरफ, क्योंकि नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ बनेगा, इसको कर देते हैं बी वन, बी इसके वजह से एक्सिस पर आ जाएगा, और इस वाले के वजह से है ना नॉर्थ के कारण है ना साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, तो उसके अब उल्टे वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके इक्वेटर वाला पॉइंट बनेगा इधर की तरफ। नहीं समझ में आता है ना, ऐसा नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, घूम कर कैसे आएगा ना, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आने वाला है ना, तो इसलिए सोचना है ऐसे करके। तो ये हो जाएगा बी टू है ना, और नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, रिजल्टेंट इधर की तरफ बस। तो बी नेट बराबर क्या होगा, रूट ओवर बी वन का स्क्वायर प्लस में बी टू का स्क्वायर। तो बी वन के जगह पे बात करेंगे तो एक्सिस पर क्या था, टू के पी बाय या टू के एम बाय आर का क्यूब था है ना, तो टू के एम बाय यहां से देखा डिस्टेंस डी का होल क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में इक्वेटर पर कितना था के एम बाय डी का होल क्यूब का होल स्क्वायर, के एम बाय डी का क्यूब, के एम बाय डी का क्यूब बाहर आ जाएगा है ना, ये बाहर आ गया, और अंदर में क्या बचा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो के की जगह ले सकते हैं म्यू नॉट बाय फोर पाई एम रूट फाइव अपॉन डी का क्यूब आंसर, सिंपल था ठीक है। इसके वजह से निकाले, इसके वजह से एक्सिस पर पॉइंट था, इसके वजह से इक्वेटर पर था, इसका जो अगर तुम बताओगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे बताओगे, माइनस एम से प्लस एम की तरफ ऐसे, तो बताए थे इसके वजह से इक्वेटर पर उल्टा बनता है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे सोचना सोचो है ना, तो बस आसान काम था है ना। पूछेगा बताओ हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा पर बन रहा है, ये तो पूछ सकता है, और टेन थीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, टेन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बी टू अपॉन बी वन, तो बी टू कितना हो जाएगा के एम बाय डी का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा टू के एम बाय डी का क्यूब, के याद है ना वही म्यू नॉट बाय फोर पाई को बोलते हैं, यानी कि हाफ आ गया आंसर है ना। तो थीटा बराबर क्या लिखोगे, टेन इनवर्स हाफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं, फिर इसको तो इस वाले में क्या कह रहा है कि दो फिर से बार मैग्नेट है, इस बार पहले यहां बनाए थे, इस बार एकदम सीधा 45 डिग्री इधर बना रहा है ना, यहां पर पूछ रहा है कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसके कारण भी ले लो 45 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड वो के एम बाय आर का क्यूब बाय रूट ओवर थ्री स्क्वायर वो कर लो, या फिर हम एक काम करते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड का दूसरे डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकालते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट कैसे बताओगे, साउथ टू नॉर्थ है ना ऐसे बताओगे इसका, और इसका बताओगे साउथ टू नॉर्थ ऐसे है ना, ये भी एम हो गया ये भी एम हो गया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरह सॉरी डाइपोल मोमेंट की तरह आएगा, ऐसे आ जाएगा, इसको हम कह देंगे एम रूट टू। क्या इस डाइपोल यानी हम कह देते हैं अब ये दो नहीं है, अब यही है एम रूट टू वाला है, तो उसके इक्वेटर पर ये पॉइंट पड़ रहा है क्या, इसके इक्वेटर पर ये पॉइंट पड़ रहा है क्या,
इसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके दिखा सकते हैं, जो कि अगेन ये 45 डिग्री पर बनने वाला है। फिर नहीं समझ रहा बात, जो मैग्नेट ये जो नया रिजल्टेंट इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना उसके ये, है ना, ऐसे बना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m रूट टू वाला, इसके तो ये इक्विटोरियल पॉइंट वाला कि नहीं बना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 45 को भी 45 होगा क्योंकि दोनों सेम है ना, तो इक्वेटर बना, तो इसके तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बनेगा ऐसे, है ना। अरे वो सुन, ये मगर 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, इसके वजह से ऐसे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो b बराबर क्या लिखेंगे, तो क्योंकि इक्वेटर पर है तो सिर्फ kp / r का क्यूब या फिर km / r का क्यूब बोल देंगे, k m का नाम है m √2 / d का क्यूब, ये कैसे लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, एम रूट टू अपॉन डी का क्यूब, हो गया आंसर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम डाउन साइड। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या कर दिया गया कि साउथ टू नॉर्थ, अभी भी फिर से हम बता सकते हैं एक बार मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एम ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे दिखाओगे, और एक साउथ टू नॉर्थ ऐसे दिखाएंगे हम, तो एम रूट टू इधर की तरफ बनेगा, इसके बीचों बीच बनेगा ऐसे एम रूट टू, ये जो पॉइंट पड़ गया, ये जो इस पी बना इसका सीधे, ये जो नया बार मैग्नेट बना है ना, इस दोनों का रिजल्टेंट बार मैग्नेट इधर की तरफ आ जाएगा, तो उसके तो एक्सिस पर ये पॉइंट पड़ा कि नहीं पड़ा, तो इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, याद है जो ऐसे बन रहा है इसके तो सीधे वाला पॉइंट बनेगा, इधर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा बी, जो कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री बनना चाहिए, और बी बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्सिस पर है तो 2k m का नाम है m रूट टू बाय d का क्यूब लिख देंगे, है ना, k कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 रूट टू एम लिख देना पड़ेगा d का क्यूब। सवाल में दम नहीं है सर, थोड़ा तूफानी मचाइए, है ना, छापो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड अगेन, है ना, वही सवाल है, लिख रहा है, कहना है इस बार मान लेते एक मैग्नेट ऐसे है और एक मैग्नेट हमारा ऐसे है, दूर दूर पर है, दोनों में बहुत लंबा डिस्टेंस है, है ना, तो दोनों में डिस्टेंस है डी, है ना, ऐसे कुछ ज्यादा बेटर होगा 2D कर लेते हैं, इसके बीच में पूछ रहा है ना, ये जो पी पॉइंट है इसके बीच में है ना, बेसिकली हम ऐसे दिखा देते हैं, ये डिस्टेंस हो गया डी और ये भी डिस्टेंस हो गया डी, ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, दोनों का एम है, इसका बी एम है, इसका भी मैग्नेटिक डेवलपमेंट एम है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इसके एक्सिस पर ये या नहीं भाई, ये भी नॉर्थ लिख दिया है, यहाँ पर ये साउथ लिखा है और यहाँ पर नॉर्थ लिखा है, यहाँ साउथ है, तो इसके एक्सिस जो इसके कारण एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा, इसको कहते हैं ये B1 हो गया, और इसके ये इक्वेटर बन रहा है तो नॉर्थ इधर है तो घूम कर कैसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर B2 बन जाएगा, तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनने वाला है, क्या बात कर रहे हो, तो आ गया ना आसानी से, तो बी नेट क्या होने वाला है, तो पहले B1 कितना होने वाला है, तो एक्सिस पर होता है 2kp / r³, है ना, तो 2km / r³ का क्यूब यानी कि d का क्यूब, और B2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, km / r³। छी 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 छी, तो बी नेट बन जाएगा जी रूट ओवर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2km / d का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में km / d का क्यूब का होल स्क्वायर, यहां से जाएगा म्यू नॉट k के जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट / 4 पाई km / d का क्यूब रूट 5 आंसर।
मजा आ गया, छापो। तुम लोग कह रहे थे ना तूफानी तूफानी क्वेश्चन करवाइए, तो ये लो है ना, स्क्रीन पर आ रहा हो क्वेश्चन वैसे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है क्वेश्चन को, पहले प्यार से पढ़ लो है ना, क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंसीडर ऑफ टू सिमिलर कॉयल्स पी एंड क्यू, दो पी और क्यू दो सिमिलर कॉयल्स है, दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स है ना, जितने है ना सेम नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, सेम नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, इज इट ओके, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, और लोकेटेड एट 0.4 मीटर और 0.3 मीटर है, यानी अगर इस ओरिजिन बोल दें तो 0.4 मीटर आगे है, ये 0.3 मीटर इन वाई एक्सिस पर लिखा हुआ ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दोनों का उसके रेशियो है लिखा हुआ 4/3, यानी कि एरिया ऑफ क्वाइल पी जो है और एरिया ऑफ क्वाइल क्यू, तो ये हमारा 4/3 लिखा हुआ है, और जो पी में करंट जा रहा है 16 एम्पियर का करंट, ये 16 एम्पियर लिखें, और यहाँ पर 9√3 एम्पियर क्यू वाले में करंट जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन वगैरह वगैरह दिया है, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, एक कंपास नीडल रख दिया गया और यहाँ पर रख दिया गया, वो पूछ रहा है कि कंपास नीडल किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पर, बस इतना जानना है, यानी कि हमको बेसिकली ये जानना है कि इस ओरिजिन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो कितना बनेगा, बस इतना ही कहानी है। सबसे पहले सोच लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बन कैसे रहा होगा, तो अगर देखा जाए तो ये कॉइल देखो ये अंदर की तरफ गया और ये बाहर की तरफ गया है ना, तो ऐसे करके इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा है ना, इस पर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बन रहा होगा, बी इधर की तरफ है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा होगा, और इसमें क्योंकि ऐसे करंट इधर गया तो अंगूठा राइट हैंड से करंट दिखाता है, तो अंगूठा दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा बी क्यू है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर ही बन रहा होगा कहीं ना कहीं किसी एंगल थीटा पर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अगर हम एक कंपास नीडल रख दें तो उसका नॉर्थ इधर की तरफ दिखा रहा होगा, वही पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस पिक्चर में ऐसे करके जो कंपास बनाया गया है तो उसका नॉर्थ जो इधर की तरफ लोकेट होगा वही बता रहा है कंपास नीडल किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, तो हमको बेसिकली वो एंगल बता देना है। तो निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाइल एट एक्सटीरियर पॉइंट पर, या तो तुम ऐसे सोचो या फिर ये सोचो कि मैग्नेटिक जो क्वाइल होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं सोलेनोइड की तरह बिहेव करवा देते हैं उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का ही सोच लेते हैं यहाँ पर कितना बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट कितना होता है, अगर हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो एक्सिस पर कितना होता है, याद है ना 2KM/R का क्यूब मैंने पढ़े थे, तो 2K का जगह लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π और m, अच्छा एक बात बताओ m बराबर अगर टर्निंग है इसमें तो NIA हो जाएगा है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स i एरिया अपॉन r का क्यूब, ये लिख देंगे बस खत्म हो गया, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पर है ना। ऐसे सोच सकते हैं कि इस क्वाइल का क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ये r और इसका ये बहुत छोटा है, छोटे टर्निंग के ये बने हुए यहाँ पर, तो हम इसको समझ सकते हैं कि बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो उसको हम देखो कन्वर्ट कर दिए हैं ऐसा वाला में, बस इतना ही करना था हमको, एंगल निकालना है ना। तो अगर हम पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी कितना बनेगा, पी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो 2μ0/4π, तो ठीक है ठाक है, नंबर ऑफ टर्न्स एन ही है दोनों में सेम है, करेंट पी वाला एरिया पी वाला अब बाई डिस्टेंस है दोनों के बीच में 0.4 का होल क्यूब लिख देंगे है ना, उसी तरह से बी एट क्यू का क्या लिखोगे, क्यू के कारण ये लिखेंगे 2μ0/4π और नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम ही है, करंट इन क्यू एरिया ऑफ क्यू अपॉन 0.3 का होल क्यूब लिख देंगे, और अगर हमको थीटा चाहिए तो टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर यानी बी क्यू अपॉन बी पी है ना, बी क्यू अपॉन बी पी यानी किस डायरेक्शन का पूछ रहा था, सिर्फ दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा खत्म हो गया, तो ये नहीं बचेगा, तो आई क्यू ए क्यू अपॉन 0.3 का होल क्यू नीचे हो जाएगा यहाँ पर से आई पी ए पी 0.4 का होल क्यू। आई क्यू का हमको पता है कर क्यू वाले में करंट कितना गया, तो 9√3 एरिया Q
क्यू बाय एक पी दिया होगा, 4/3 देखो दिया है क्या, और इसमें आई पी का 16 दिया होगा, यहाँ 0.4 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 0.3 का होल क्यूब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो हमारे पास कुछ जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, √3 ही सिर्फ बचेगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से आ गया टेन थीटा का वैल्यू √3, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री पर ये अलाइन हो जाएगा। समझ में आ गया बात? मतलब कुछ किए नहीं है सवाल में, ये जो टर्निंग था हमने उसको एज अ बार मैग्नेट समझ लिया है। मजा आया? आज भर के लिए इतना ही, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आज हो गया खत्म। हम लोग नेक्स्ट डे थोड़े और वियर्ड चीज के बारे में बात करेंगे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, और अजीब अजीब चीजें भी होने लगेंगी, है ना। थोड़ा सा बहुत सारे डेफिनेशन वगैरह भी हैं तो उसको भी याद करना पड़ेगा, थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। और मिलते हैं तब तक के लिए, बाबा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बस यही करना, कर ही रहे, ओके बाय।